नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, दोस्तों आपने ट्रांसफार्मर को बहुत यूज करा होगा, लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर आज तक अगर आप कोई भी सामान को चलाते हो या कोई भी सर्किट को चलाते हो, तो यहाँ पर आपको ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है। अगर ब्रिज रेक्टिफायर आप नहीं लगाते तो आपका जो सर्किट है वो काम नहीं करता। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर हमें कोई भी LED लाइट को जलाना हो तो हमें कोई भी ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत नहीं है। जितनी वोल्टेज हमारी ट्रांसफार्मर में आ रही है उतनी ही वोल्टेज से हम उसको जला सकते हैं। यहाँ पर कोई भी हमें ब्रिज रेक्टिफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, पहले मैं आपको जो है वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि जो इसके अंदर AC वोल्टेज आ रही है वो कितनी आ रही है। दोस्तों, AC वोल्टेज और DC वोल्टेज के अंदर इतना ही फ़र्क है कि DC वोल्टेज हमें जो है डायोड और फिल्टर लगा के जब बनाते हैं तो उसकी जो फिल्ट्रेशन है वो अच्छी हो जाती है, और DC के अंदर जो हमारा जो DC का सामान होता है वो अच्छा चलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप बिना ब्रिज रेक्टिफायर के कोई भी LED लाइट को, जो 12 वोल्ट की LED लाइट है और 12 वोल्ट का ही आपका अगर ट्रांसफार्मर है, अगर आप उसे जलाना चाहते हो तो जला सकते हो। उसके अंदर कोई भी माइनस प्लस नहीं होता, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। तो ये वीडियो मेरे उन भाई के लिए है जिनको नेगेटिव पॉजिटिव का बिल्कुल नहीं पता है, उन भाई के लिए भी है जिन्होंने आज तक इस तरीके से कोई भी LED नहीं जलाई। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक 12 वोल्ट का यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 1 एम्पियर का। अब देखिए, इस ट्रांसफार्मर की मैं आपको वोल्टेज जो है AC वाली वो चेक करा देता हूँ। तो मीटर को देखिए, मैं AC 200 पे कर देता हूँ और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर वोल्टेज देखिए 15.3 के आसपास आ रही है। यहाँ पर जो LED है वो है मेरे पास यहाँ 12 वोल्ट वाली। देखिए, इसके अंदर कोई भी ब्रिज रेक्टिफायर नहीं लगा हुआ है। जो नॉर्मल LED होती है 12 वोल्ट की, वही LED है। अब देखिए, मैं इसको AC लाइट से जलाता हूँ। जो AC लाइन है हमारी, देखिए, तो देखिए AC लाइन से जो है, देखिए हमारी LED ग्लो हो रही है। अब देखिए, इस AC लाइन के अंदर हमें इसका क्या फ़ायदा होगा, हमारी LED जल रही है, लेकिन अगर हम मैं नेगेटिव पॉजिटिव का उल्टा भी कर दूंगा ये लाइट तब भी जलेगी। ये देखिए, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता AC लाइन के अंदर। AC लाइन के अंदर क्या होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव हर वायर के अंदर हर सेकंड के अंदर चलता है। तो हमारा LED जो सर्किट है वो अपने आप ही डिसाइड जो उसके अंदर हो जाता है AC लाइन के अंदर कि हमारा जो सर्किट है वो किस तरीके से जलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव जो है बहुत तेज़ी से बदलता है, इसलिए हम अपना AC लाइन को जैसा मर्जी लगा देते हैं। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक 12 वोल्ट की देखिए ये LED भी है। ये आपने देखा होगा कि ये 12 वोल्ट LED से ही चलता है। अब देखिए, मैं इसको भी चला के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये 12 वोल्ट से जल रहा है। अब देखिए, इसके अंदर जो है ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। ये प्रॉपर काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसको चाहिए DC लाइट। अगर आप एक सिंगल इस तरीके की कोई भी लाइट जलाना चाहते हैं जो नॉर्मल होती है 12 वोल्ट की, तो वो आप बड़े ही आसान तरीके से जला सकते हैं। उसके अंदर आपको कोई भी ब्रिज रेक्टिफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है और आपका जो लाइट है वो बढ़िया वर्क करेगा। और देखिए, इसके अंदर जो ना ही आपको कोई नेगेटिव, ना पॉजिटिव, ना कोई कैपेसिटर, कुछ भी नहीं लगाना है। अब देखिए, इसके अंदर यहाँ पर एक मैं आपको देखिए दूसरा ट्रांसफार्मर भी लगा के दिखा देता हूँ। देखिए, ये ट्रांसफार्मर है 4440 का, जो 4440 के अंदर यूज होता है हमारा 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर वो है। अब देखिए, मैं इसको भी आपको जला के दिखाता हूँ। तो इसके अंदर भी हम देखिए कोई ब्रिज रेक्टिफायर नहीं लगाएंगे। मैं सीधा इसको AC लाइन के अंदर लगाऊंगा। अब देखिए, मैं इसको AC लाइन में जो है कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको इसको भी चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे AC लाइन के अंदर कनेक्ट कर लिया है। अब मैं जो है, तो यहाँ पर देखिए AC लाइन आ चुकी है, और AC लाइन को देखिए मैं अब चेक कराता हूँ आपको कितनी आई है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए 14.8 के आसपास AC लाइन हमारी आ चुकी है। अब देखिए, इसमें कोई भी ब्रिज रेक्टिफायर नहीं है। और देखिए, 12 वोल्ट की जो LED है वो मैं जलाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, 12 वोल्ट की जो LED है वो हमारी देखिए बढ़िया ग्लो हो रही है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई नॉर्मल एक 12 वोल्ट की LED है जिसके अंदर कोई मतलब IC सर्किट वगैरह नहीं लगा हुआ है, जैसे इसके अंदर IC सर्किट है, तो ये काम मतलब प्रॉपर नहीं कर पाती। लेकिन जो सिंगल LED होती हैं वो प्रॉपर काम करती है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी LED भी इस ट्रांसफार्मर से लगा के दिखा देता हूँ। और देखिए, इसके अंदर कोई भी ब्रिज रेक्टिफायर कोई कुछ नहीं है। सिंगल LED आप इससे बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये ब्लू कलर की मेरे पे देखिए ये वाली LED हैं। तो मैं इनको भी AC लाइन से जला के देखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों अगर आपके पास कोई सिंगल LED है तो ब्रिज रेक्टिफायर के बिना आप जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सिंगल LED जो प्रॉपर काम करती है। ये देखिए,
तो ये देखिए यहाँ पर भी कोई ब्रिज रेक्टिफायर नहीं है लगा हुआ, और हमारा जो एलईडी है देखिए ग्लो हो रहा है। अब देखिए मैं रेड एलईडी को भी जला के दिखाता हूँ, तो देखिए। और इसके अंदर आपको दोस्तों एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव आपको नहीं देखना पड़ेगा। ये देखिए एलईडी ग्लो हो रही है हमारी। और देखिए अब मैं इसको जो है चेंज कर देता हूँ, अगर मैं लेफ़्ट राइट को अगर चेंज भी कर दूंगा माइनस प्लस, इसके अंदर एसी लाइन के अंदर कोई माइनस प्लस नहीं होता। ये देखिए, तो देखिए एलईडी भी हमारी देखिए सही ग्लो हो रही है। तो दोस्तों वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।